हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आज जो हम गेसिंग करने वाले हैं वह फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस सब्जेक्ट का नाम है डीएसएस, जिसका हम लोग फुल नेम बोलते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हम आप लोग के बीच सब्जेक्टिव का 25 से 27 गेसिंग को लाया हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में 100% आने के चांस है। लेकिन उससे पहले बाबू, जो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही मायने रखता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जिन बच्चों के पास 4 से 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है उसको फॉलो कर लीजिएगा, या अगर आप लोग मॉडल पेपर जो खरीदे हैं उस मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव पढ़ कर चल जाइएगा, आप लोग 17 से 18 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। चलिए बाबू, थैंक यू। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल के साथ नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए बाबू, अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो जो मेरा बाबू पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई स्टील स्ट्रक्चर। आप स्टील स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब कि एडवांटेज एंड इसका डिसएडवांटेज लिखना है स्टील एज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के रूप में। ठीक है, चलिए बाबू, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन को अच्छा से आप लोग को एक्सप्लेन करना है, यूज इन स्टील स्ट्रक्चर विथ नीट स्केच विथ फिगर के साथ आप लोग को इसका स्टील स्ट्रक्चर में जो यूज है वहाँ पर शो कर देना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, ठीक है बाबू, रिवेटेड ज्वाइंट विथ नीट स्केच। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइप्स को अच्छा से याद कर लीजिएगा, रिवेटेड ज्वाइंट होता है क्या, उसका टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, उसका जो अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मतलब कुछ नोट्स भी निकलने को आ सकता है। उसमें से जो मेरा पहला क्वेश्चन है बाबू वो है इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, मतलब रिवेटेड ज्वाइंट की इफिशियंसी क्या होता है। दूसरा जो है बाबू, ठीक है, फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ चुका है फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या होता है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है टेंशन स्पाइसेस, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे जो है न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन बैंक फिलो। आप लोग सब चाहिएगा कि हम जितना केवल थ्योरी दिए तो उससे ही फुल मार्क्स नहीं आ सकता है, फुल मार्क्स लाने के लिए आप लोग 2016 से 19 या उससे पहले का क्वेश्चन बैंक के जितना भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसको एक बार बना लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर बीम और कॉलम्स का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अच्छा से कर लें, क्योंकि 2 से 3 आप लोग का अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बीम और कलम से ही आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो है क्वेश्चन बाबू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है और उसको टाइप्स लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है उसको लिखने को आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में भी आ सकती है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल दिए हैं, जो इस न्यूमेरिकल को आप लोग देख के चल जाइएगा, आप लोग के एग्जाम में 100% ये न्यूमेरिकल आने के चांस है। ठीक है बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं, स्टेट द टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन मेंबर। कहने का मतलब टेंशन मेंबर में जो फेलियर होता है उसको कितने टाइप्स होता है उसको आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है या लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज लग एंगल, व्हाई इट इज यूज्ड, लग एंगल क्या होता है, उसका क्यों हम लोग यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में या डीएसएस में, उसको हम लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए, उसके बाद जो हम एक न्यूमेरिकल दिए हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल 100% आ सकता है और इस पर आधारित 2 से 3 न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा चेंज हो तो आप लोगों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए बाबू,
अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है बाबू, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है उसको डिफाइन करने को आ सकता है। ठीक है, एंड स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख कर ही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, उस क्वेश्चन को अब देखते हैं। एक्सप्लेन द डिजाइन क्रिएशन ऑफ ए लैचिंग सिस्टम इन कॉलम डिजाइन। ये क्वेश्चन भी आप लोग को 100% में 100% आने के चांस है, जितना भी हम गेसिंग में एक बार देख कर जरूर ही जाइएगा। ठीक है, और बोलेंगे थ्योरी कैसे लिखेगा, तो थ्योरी विथ फिगर, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिगर के साथ लिखिएगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू, स्टेट द फंक्शन ऑफ लेसिंग एंड बैटरिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिए हैं, ये न्यूमेरिकल को देखते जाइएगा, क्योंकि हम 2 से 3 न्यूमेरिकल दिए हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, उसका जो बाद क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रूफ ट्रस, आप लोग रूफ ट्रस से क्या समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बना। एंड राइट इट्स डिफरेंट पार्ट विथ नीट स्केच। रूफ ट्रस का कितने पार्ट हैं, उस सभी पार्ट का नाम लिखना है विथ नीट स्केच फिगर के साथ। ठीक है बाबू, चलिए उसके अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोड्यूस ऑफ डिजाइनिंग ए स्टील रूफ ट्रस। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, इन्यूमरेट द डिजाइन स्टेप्स फॉर एंगल, ठीक है, इन ए रूफ ट्रस, इसको भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई, ठीक है, क्योंकि ये सब जितना क्वेश्चन है लिखे हैं बीम चैप्टर से, न्यूमेरिकल कलम चैप्टर से, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आ सकता है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट, बताएं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट आ सकता है, उसका फेलियर भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स किस पर लिखने को आ सकता है बाबू, तो बिल्ट ऑफ बीम, पहला जो है बिल्ट ऑफ बीम पर आ सकता है। दूसरा जो है बाबू, प्लेट ग्राइडर्स एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख के जाइएगा। तीसरा जो लग एंगल है, जो बार बार लग एंगल के बारे में हम लोग जिक्र करें, लग एंगल 2 से 3 बार बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद जो है चौथा बाबू, चौथा है लेसिंग, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ रिवेट, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे उसके बाद है टेंशन स्पेलिस, ठीक है, उसको भी आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय कलम्स, आप लोग कलम से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कलम डिजाइन विथ नीट स्केच। कहने का मतलब कि कलम का जितना भी टाइप्स है उसको नीट एंड स्केच हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन भी करने को आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने की चांस है। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्लैब बेस एंड गस्टेड बेस। स्लैब बेस और गस्टेड बेस के बीच में डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, हम जितना भी न्यूमेरिकल कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल को भी आप लोग देख कर ही एग्जाम में जाइएगा, तभी आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन अबाउट फॉर्म्ड बीम कनेक्शन विथ नीट डायग्राम। ये क्वेश्चन है बीम जो कनेक्शन है उसको नीट एंड डायग्राम क्या करना है, आप लोग को बनाने को आएगा, तो ये आ सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द वेरियस लोड ऑन रूफ ट्रसेस फॉर डिजाइन। डिजाइन के लिए रूफ ट्रसेस पर जितना प्रकार का लोड लगाया जाता है उस सभी लोड को आप लोग को डिस्कस करने को आ सकता है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद जो है एक्सप्लेन विथ नीट स्केच गस्टेड बेस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया, इस बार भी पूछ सकता है, 2018 में भी पूछा गया था। उसके बाद है लिस्ट आउट डिफरेंट लोड्स एक्टिंग इन स्ट्रक्चर। ठीक है, जितना तरह का लोड होता है वो एक स्ट्रक्चर पर किस तरह से लगता है, तो क्या बिहेव करता है, उसको भी लिखने को आ सकता है। उसके बाद जो लास्ट में लिखे हैं कि देखो भाई लोग
न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक 2014 से 2019 बना लो। कहने का मतलब अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में जितना भी न्यूमेरिकल दिया है अगर आप उस न्यूमेरिकल को बना लेंगे तो आप कहने का मतलब डीएसएस में 50 मार्क्स में जो सब्जेक्टिव है आप लोग 50 मार्क्स ला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए 4 से 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लीजिए और 1 या 2 मॉडल सेट फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को फुल नंबर ऑब्जेक्टिव में भी 20 में 19 18 आ सकता है। चलिए बाबू, थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग को कम समय में बहुत ही अच्छा हेल्प हो जाए, क्योंकि आने वाले बिहार के ऑल वैकेंसी नंबर बेसिस पर है। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा मार्क्स लाइएगा तो कहीं भी बिहार में आप लोग का जॉब हो सकता है। थैंक यू। चलिए बाबू।